असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा गुरुवार की शाम को हेलीकॉप्टर के माध्यम से साहिबगंज पहुंचे। बता दें कि 20 सितंबर शुक्रवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के साहिबगंज जिले से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे और प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव का आगाज करेंगे। गृह मंत्री के आगमन से पूर्व असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा ने साहिबगंज पहुंचकर विधि व्यवस्था का जायजा लिया, पुलिस लाइन के मोदी मैदान में बने विशाल जनसभा स्थल का निरीक्षण किए। साथ ही मौके पर मौजूद राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, विधायक अनंत ओझा समेत तमाम भाजपाई नेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर संथाल परगना क्षेत्र में NRC लागू कर बांग्लादेशी घुसपैठिए को निकाल बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैसे आदिवासियों की जनसंख्या में घटौती हो रही है और एक विशेष समुदाय की आबादी इस क्षेत्र में अप्रत्याशित ढंग से बढ़ रही है, यह गंभीर चिंता का विषय है। जबकि हाई कोर्ट ने भी माना है कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठिया हावी है, जिस पर मौजूदा हेमंत सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। कहा कि अभी झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है, ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठिए पर कार्रवाई करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, एक एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को चिन्हित कर देश से निकाल कर बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारा खासकर दो मुद्दा काफी अहम रहेगा, जिसमें पहला हेमंत सरकार का वादा खिलाफी कार्य और दूसरा घुसपैठ का मुद्दा सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। इसके अलावे भी कई मुद्दे हैं जिस पर प्रदेश की जनता को जागरूक करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरे प्रदेश के लिए परिवर्तन यात्रा का साहिबगंज से शुभारंभ करेंगे। ताल से हमारे परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ होगा। साहिबगंज में भारत की माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आएगा और उनका ही कर कमल से हमारा यात्रा का शुभारंभ होगा। सभा की प्रस्तुति को थोड़ा देखने के लिए मैं यहाँ आया था। सभी लोग मिलकर बहुत बढ़िया प्रस्तुति किया है। मेरा मानना है कि कल का सभा भी बहुत अच्छा होगा। पूरा संथाल परगना, इसका जो सबसे बड़ा समस्या है घुसपैठियों का समस्या है। अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में हाई कोर्ट को हलफनामा भी दिया है, कैसे पूरा संथाल परगना में हमारा जो जनसंख्या का जो परिवर्तन कैसे हो रहा है, कैसे आदिवासी समुदाय घट रहा है और कैसे एक विशेष समुदाय बराबर बढ़ रहा है। तो मेरा लगता है कि हमें संथाल परगना में NRC करने का हमारा जरूरत है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को शिनाख्त करने का ये समय का तगड़ा है। मेरा मानना है जब झारखंड में BJP सरकार आएगा, केंद्रीय सरकार से बातचीत करते हुए संथाल परगना में हम NRC लागू करेगा। ये सबसे दिक्कत है, जब हमारा सरकार होगा, SPDC हमारा होगा, तभी तो हम जांच कराने के लिए सक्षम रहेगा, नहीं तो अभी खाली हमारा काम आंदोलन करना ही है। इस बार सर किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आ रहे हैं? चुनाव में पहला जो मुद्दा है वादा खिलाफी। हेमंत सोरेन जी ने जितना वादा किया था झारखंड का जनताओं को, उन्होंने एक वादा भी पूरा नहीं किया है। साथ साथ में घुसपैठी एक बहुत बड़ा समस्या हो चुका है। वादा खिलाफी साथ में घुसपैठी, यही दो हमारा चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनेगा। जो एक चुनाव है, जैसे आप देखिए अभी अभी पार्लियामेंट में चुनाव हो गया, तुरंत 6 महीना का बाद झारखंड में और एक चुनाव, तो लोगों का खर्चा हो रहा है, लोगों का परेशानी हो रहा है। लोगों का अगर कोई परेशानी दूर करने का प्रयास होते हैं, उनको तो हमें सब स्वागतम करना चाहिए। आप खुद ही देखिए, थोड़ा दिन पहले ही हमारा लोकसभा का चुनाव हो गया, 4 महीना नहीं हुआ, फिर विधानसभा हो जाएगा, फिर ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, लोग कितना बार चुनाव करेगा। तो ये हमें सब पॉलिटिकल पार्टी को पॉजिटिवली सोचना चाहिए। से पूछ लूंगा बाद में आपका CM का चेहरा कौन है? झारखंड में CM का सहारा हमारा बहुत मतलब स्पष्ट है, समय आने से आपको बताया जाएगा।
आप भी हो सकता है। सर जनता तो जानता है ना, उसमें आप भी हो सकता है। इसे मान के चलिए सारे लोग अभी सीएम का सहरा बनेगा, लेकिन सीएम कौन बनेगा सटीक समय में सटीक निर्णय लिया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे अटल भारत।